हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। भारत में मिले 40,120 नए संक्रमित मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,17,826 हुई। जी हां, 12 अगस्त 2021 को भारत में 40,120 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 585 लोगों की जान गई है। इस दौरान 42,295 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,21,17,826 हो गया है, तो वहीं स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 3,13,02,345 हो गई है और मरने वाले लोगों की कोविड से कुल संख्या 4,30,254 हो गई है। भारत में अभी 3,85,227 मरीज सक्रिय हैं। अब तक देश भर में 52,95,82,956 लोगों को टीका लगाई जा चुकी है। ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्रीय कार्यालयों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को कहा। जी हां, आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय कार्यालयों को उनके अधीन संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों पर स्विच लगाने हेतु निर्देशित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा सभी केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों प्रीपेड मीटर बिजली के लिए अग्रिम भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए जारी एक स्पष्टीकरण का अनुसरण है। CDC ने कहा, गर्भावस्था में कोरोना वैक्सीन लगने से जच्चा बच्चा को कोई नुकसान नहीं। जी हां, आपको बता दें कि CDC ने कहा कि गर्भवती को कोरोना वैक्सीन लगने से जच्चा बच्चा को कोई नुकसान नहीं है। गर्भाधारण के पहले 20 सप्ताह में वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक तंत्र विकसित हो जाती है, इससे गर्भपात का खतरा नहीं है। CDC के रिप्रोडक्टिव हेल्थ टीम की डॉक्टर शासा आर एलिंगटन के मुताबिक, महामारी के इस दौर में संक्रमण का खतरा अधिक है। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण गंभीर तकलीफ का खतरा बरकरार है। कर्नाटक सरकार ने लगाया मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के जुलूसों पर प्रतिबंध। जी हां, कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर पर चिंताओं के बीच कर्नाटक सरकार ने मुहर्रम और गणेश चतुर्थी त्योहारों के दौरान 20 अगस्त तक सभी जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। अपने आदेश में मुहर्रम के जुलूसों को लेकर राज्य सरकार ने कहा कि सभी नमाज मस्जिदों को कोविड-19 मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए निगेटिव RT-PCR या टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि राज्य का दौरा करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के पास अपना कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्र, दोहरी खुराक वाला या फिर एक नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट जो कि 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, या फिर RAT नकारात्मक रिपोर्ट 24 घंटों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा लाना अनिवार्य है। घरेलू उड़ानों के टिकट आज से हो रहे हैं 12.5% अधिक महंगे। जी हां, आपको बता दें कि देश के भीतर हवाई यात्रा आपको आज यानी शुक्रवार 13 अगस्त से अधिक महंगी पड़ेगी। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन द्वारा न्यूनतम और अधिकतम घरेलू हवाई किराए में 12.5% की वृद्धि की घोषणा कर दी है। केंद्र ने एयरलाइंस को 7.5% अधिक घरेलू उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी, जिससे कि पूर्व कोविड उड़ानों के स्तर की क्षमता 72.5% हो गई है। मुंबई में कोविड-19 के डेल्टा प्लस संस्करण के कारण पहली मौत दर्ज हुई। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई ने कोरोना के डेल्टा प्लस संस्करण के कारण अपनी पहली मौत की सूचना दी है। एक 63 वर्षीय महिला ने 27 जुलाई को कोविड-19 के डेल्टा प्लस संक्रमण से दम तोड़ दिया, जबकि उसके परिवार के 6 सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 6 में से 2 डेल्टा प्लस संस्करण के शिकार हैं, जबकि 4 सदस्यों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लालू यादव के फिर जेल जाने का खतरा, इस मामले को लेकर शुरू हो रही है सुनवाई। जी हां, चारा घोटाले के एक और मामले डोरंडा कोषागार अवैध निकासी को लेकर RJD सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। इस मामले की सुनवाई तेज हो गई है, जिससे कि उन पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। रांची की CBI कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था।
ट्विटर भारत में कारोबार नहीं कर रहा, वह राजनीति की दिशा तय कर रहा है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर भारत में कारोबार नहीं कर रहा बल्कि वह देश की राजनीति की दिशा तय कर रहा है। ट्विटर पर मेरे 19 से 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें एक राय रखने के अधिकार से रोक रहे हैं। ये दर्शाता है कि ट्विटर अब अपने विचार रखने का जरिया नहीं रह गया। सिद्धू और कैप्टन के बीच फिर घमासान, सिद्धू के सलाहकार ने साधा सीएम पर निशाना। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में कला फिर बढ़ गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का घमासान एक बार फिर पूरे जोर पर है। सिद्धू के बाद अब उनके सलाहकार मालविंदर माली ने कैप्टन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम पंजाब में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का एजेंडा लागू कर रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।